राज कदम पैक भी था मैं वीडियो। तो आज 15 अगस्त है और आज होने वाले परेड हमारे कॉलेज के सामने, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड अभी मैं जा रहा हूँ परेड के लिए, सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं अभी जाऊँगा और परेड करूँगा। ये गाड़ी फास्ट है तो इसलिए ऊपर नीचे हाथ हो रहा है तो उसको एडजस्ट करो। एंड अभी गाड़ी में मैंने सब फ्लैश लगाया है और ऊपर से भी लाइट चालू की है जिससे कि आपको दिखे क्या क्या चल रहा है। सो कीप वॉचिंग गाइज एंड आई विल बी बैक। परेड और मार्च पास सब हुआ तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ एंड आपसे तब बात करूंगा आगे कैसे कैसे होता है। तो परेड सब हो गया एंड आपने वीडियो देखा होगा इसके पहले मैंने डाला था, सो वही। सो कीप वॉचिंग गाइस, हियर वी गो। हे एवरीवन आउट देयर, तो हाँ ये नॉइज कब भी बंद हुआ। तो हे एवरीवन आउट देयर, तो अभी मुझे कॉल आया था कि मेरे एक पार्सल आने वाला है, वो एक्चुअली शूज़ है, जैक एंड जोन्स के शूज़ है जो मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कॉलेज को रोज़ पहनने के लिए बहुत अच्छे थे और मुझे वो कैनवास टाइप के शूज़ बहुत पसंद है, मतलब उनका जो फॉर्मेट रहता है, और वो शूज़ मैं जंप रोप के लिए भी यूज़ करता था। तो हाँ अभी तक मैंने जंप रोप का कुछ बताया नहीं, तो एक जंप रोप पे भी वीडियो बना दूंगा मैं। मैं एक्चुअली दिल्ली का आया था जंप रोप के लिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट है दिल्ली में, और वहाँ पे साउथ एशियन इंटरनेशनल मैच थी तो वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो वो और नेशनल मल्टी टाइम नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ और दूसरे गेम्स भी। तो एक पूरा वीडियो बनाएंगे अपन गेम्स पे जो जो खेले और मेरे ट्रॉफीज़ और वो सब सब, और मेरे कंपटीशन भी आ रहा है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि आपको पता चले कि मेरा कॉम्पिटिशन और वो सब कैसे होगा। तो उस पर भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं, और अब भी अपन जाते पार्सल लेते और आपसे मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग, वो पार्सल का अनबॉक्सिंग भी वो गाड़ी में ही करेंगे। वो एक्चुअली मेडिकल में आया है तो मैंने मेडिकल का एड्रेस डाला था, तो वहाँ पे जाएंगे मेडिकल से और पार्सल लेंगे और अनबॉक्स करेंगे। सो वही कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक। हे गाइस, सो पार्सल इज फाइनली हियर, सो लेट्स अनबॉक्स इट। दिस इज हाउ शूज लुक लाइक। Man, this looks awesome. Build quality is nice. Going to rock this now. Check it out. They smell freaking amazing. So, I will meet you afterwards. Hey guys, जो अभी आपने देखा जो मैंने shoes unbox किया था तो उसे पहन के देखा और वो सब किया and बाद में सो गया था,
खाना खा के सो गया था लंच करके, और अब भी जाने वाले अपन जिम को, तो जिम में जाएंगे। आज लेग वर्कआउट है, तो थोड़ा सा अभी भी मैं थोड़ा सा नींद में हूँ, पूरा फ्रेश नहीं हुआ, बट कॉफ़ी पिए तो वो 10 मिनट में उसका असर चालू हो जाएगा और फ्रेश फील होना चालू हो जाएगा मुझे। एंड हम करने वाले एक लेग वर्कआउट आज करने वाले, आज कुछ शूट नहीं करूँगा, किया तो एक दो सेट कर दूंगा और यहाँ पे बी रोल आगे आपको आ जाएगा, या फिर लास्ट का फेल्योर सेट रहता है तो वो शूट करूंगा, कुछ तो कर दूंगा थोड़ा सा और आपको दिखा दूंगा। आज 15 अगस्त है तो वो मार्च पास वगैरह आपने देखा ही होगा मेरा एनसीसी का और वो सब। तो मैंने अभी एक वीडियो देखा है जो हमारे कॉलेज में वीडियोग्राफर ने किया था, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत पसंद आया मुझे, नाइस वर्क। तो मैं शायद उसे डाल दूंगा अगर वो चलेगा तो, डाला तो, बट आई थिंक कॉपीराइट आ जाएगा। अगर कॉपीराइट आया तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगा, अगर नहीं आया तो वैसे ही रखूंगा। सो होप सो आपको अच्छा लगेगा वो, मैं एडिट करने से अच्छा वो वीडियोग्राफर थे तो उन्होंने DSLR में किया था, तो उनका वीडियो रहेगा और उनका आपको ओरिजिनल वीडियो देखना होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी उनकी। अगर जिन्होंने वो वीडियो एडिट किया है वो ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज़ कॉपीराइट मत डाल दीजिए, मैं अपने कॉलेज के लिए ही उसका यूज़ कर रहा हूँ। और अपन चलते हैं अभी जिम को और असम सा लेग वर्कआउट करेंगे। सो कीप वॉचिंग गाइज। गाइज हैड एन ऑसम वर्कआउट, लेग वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, इंटेंस था। एंड मैंने एक वीडियो एडिट किया था 15 सेकेंड का, बट वहाँ पे एक सॉन्ग यूज़ किया था जिसकी वजह से मुझे पता है कि कॉपीराइट आने वाला है। वो 15 अगस्त पे ही वीडियो है 15 सेकेंड्स का, तो वो शेरशाह मूवी का डायलॉग यूज़ किया है मैंने, तो उसके वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो उसकी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो मैंने वो इंस्टा पे पोस्ट किया है, तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट गो एंड वॉच इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो पीस।